मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन सरकार लेखानुदान लेकर आई, जहां लेखानुदान पेश होने के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार सुशासन और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चहुंमुखी विकास हुआ है, प्रदेश की विकास दर बढ़ी है और वर्तमान में 16% से अधिक है। वहीं ऊर्जा उत्पादन 4000 मेगावाट से बढ़कर 29000 मेगावाट हो गया है, जबकि सिंचाई क्षमता बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर हो गई है। वहीं सीएम यादव ने कहा कि राज्य में 5.5 लाख किलोमीटर लंबी गुणवत्तापूर्ण सड़कों का नेटवर्क है। सीएम यादव ने कहा कि इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शीर्ष पर है, वहीं जबकि मध्य प्रदेश राज्यों में दूसरे स्थान पर है। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला एक बड़ी सफलता होगी, जो कि भाजपा सरकार राज्य में गरीबों, युवाओं, किसानों के कल्याण और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करेगी। लगभग प्रदेश में हर वर्ग, खास करके मध्य प्रदेश की विकास दर आज की स्थिति में 16% से अधिक है। ऊर्जा क्षमता 4000 मेगावाट, आपकी सरकार के समय 4000, आज की स्थिति में 29000 मेगावाट से अगर आगे बढ़ी है, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यकुशलता के कारण से बढ़ी है। आज 47 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की सुविधा मिली है, तो मैं बधाई देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को और सरकार के सभी अंगों को, जिनके माध्यम से आज सिंचाई की सुविधा मिली। लगभग 5.5 लाख किलोमीटर से अधिक जमाती सड़कें अगर मिली है, तो इसका श्रेय भी केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहूंगा।